साउथ सिनेमा की हर दूसरी फिल्म में कॉमेडी करते नजर आने वाले ब्रह्मानंद आज अपना 63वां जन्मदिन मना रहे हैं। ब्रह्मानंद अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर हैं। उनके आगे बॉलीवुड के कॉमेडी एक्टर भी पानी भरते नजर आते हैं। साउथ का हर फिल्म मेकर चाहता है कि ब्रह्मानंद उनकी फिल्म का हिस्सा बने। कुछ दिन पहले ब्रह्मानंद को लेकर एक बुरी खबर आई थी। दरअसल ब्रह्मानंदम के हाईकोर्ट में समस्या के चलते उन्होंने एशियन हाईकोर्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि ब्रह्मा की हालत बहुत गंभीर है, उन्हें ऑपरेशन में रखा गया है। फिलहाल ब्रह्मानंद की सेहत को लेकर कहीं अपडेट नहीं आया। सोशल मीडिया पर भी फ्रेंड्स ब्रह्मा को लेकर जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, साथ ही ब्रह्मा के जल्द ठीक होने की दुआ भी मांग रहे हैं। फैंस के इस प्यार की वजह से ही ब्रह्मा 3 दशक के कैरियर में 1000 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। आज ब्रह्मा बर्थडे पर बनाते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। ब्रह्मानंद एक फिल्म के लिए मोटी सेल ले लेते हैं। ब्रह्मानंद कॉलेज के दिनों में बच्चों की मिक्री किया करते थे। परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने के कारण उनके परिवार में सिर्फ वे ही ऐसे शख्स हैं जिन्होंने MA किया था। उनकी किस्मत तब खुल गई जब तेलुगु फिल्म में जाने माने डायरेक्टर ने उनकी फिल्म में काम दिया था। इसमें ब्रह्मानंद का नाम निर्देशक को इतना पसंद आया कि उन्हें एक और फिल्म दे दी गई, जिसका नाम था चंद्रबाबाई। बस तो फिर तो उनकी किस्मत पलट ही गई, जिन्हों जैसे रेस पकड़ी गई, अब तक खत्म नहीं हुई। 60 साल की उम्र में ब्रह्मानंद उतने ही लोकप्रिय जितने फिल्म के हीरो हुआ करते हैं।